हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्रुति मैम फ्रॉम एमएपीएल क्लासेस। बच्चे लोग, आपके 8 जुलाई को सीएसईटी के एग्जाम्स है, बट डरना मना है। बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है। मैं आज आप लोगों के साथ मास्टर स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगी, उसको कर लेना, कोई डर की बात नहीं है। सब कुछ कवर हो गया, बहुत अच्छे से एग्जाम्स होगा, बस इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करना। तो इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, सबके साथ शेयर करना मास्टर स्ट्रेटजी फॉर सीएसईटी जिनके एग्जाम्स जुलाई में है। जी हाँ, जुलाई वाले बच्चों, दिस इज योर मास्टर स्ट्रेटजी। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 1 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 3rd पेपर है, एंड 4th पेपर इज योर फेवरेट पेपर, करंट अफेयर्स का पेपर है। तो आपको इन सारे पेपर को अब बचे हुए दिनों में कैसे तैयार करना है, मैं आपको अभी बताने वाली हूं। पहले, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अब आपके एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 13-14 डेज बाकी रह गए, तो बिल्कुल अभी भी सफिशियंट टाइम है। स्ट्रेटजी फॉलो करो, एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना, बिल्कुल बोलते हैं ना रामबाण, वो ये है, और इस पे आपको स्टिक रहना है, बिल्कुल इसको क्रॉस नहीं करना है, इसको फॉलो करते हुए आपको 8 जुलाई का एग्जाम अपीयर करना है। तो अब मैंने दिन अलोकेट किए हैं, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन को आप 3 दिन का टाइम दे सकते हो फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना कि 24 जून को किया बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर 4 जुलाई को कर रहे, कंसेक्यूटिव 3 डेज। एलए एंड एलआर को मिला के 4 डेज, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट को मिला के 3 डेज, एंड करंट अफेयर के लिए 3 डेज। अब ऑफकोर्स आपको एक साथ 2 पेपर उठाना होगा, 2 पेपर को तैयार करना होगा। जैसे आप बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ ले सकते हो करंट अफेयर्स, दिस इज वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने एक सजेशन के तौर पे तुम लोगों को कॉम्बिनेशन बताया है। वैसे ही कॉम्बिनेशन है लॉजिकल रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स, तो ऐसे ही आप और भी कॉम्बिनेशन बनाकर 2 सब्जेक्ट साथ में उठा सकते हो और तैयारी करना शुरू कर सकते हो। और बच्चे लोग, अगर कुछ नहीं पढ़ा है, अभी बहुत डर लग रहा है, मैम कैसे होगा, क्या होगा, मैं तुमको एक इतना बढ़िया सोल्यूशन दे रही हूं ना, दिस इज मास्टर सोल्यूशन फ्रॉम एमईपीएल। सिर्फ एमईपीएल ही आपके लिए इतनी सर्विस लेकर आए, इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं ना, तुमको डरना नहीं है, बस आज से, अभी से, जब से वीडियो देख रहे हो बैठ जाना, इस स्ट्रेटजी को लेना, और जो जो मैं बोल रही हूं बस शुरू कर देना। देखो, अगर आपने क्लासेस किए तब तो क्या ही कहना, सब कुछ कवर हुआ होगा, लेकिन अगर आपने क्लासेस नहीं ली थी तो एमईपीएल क्लासेस ने रिवीजन, फास्ट ट्रैक सब करवाया है ऑन एमईपीएल चैनल। तो एमईपीएल चैनल पर आपको जाना है बच्चे लोग, और अगर अभी तक नहीं गए हो अभी जाके सब्सक्राइब करो, वहां आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट। क्या मिलेगी? प्लेलिस्ट, जिसमें आप लोगों को सीएसईटी की 2 प्लेलिस्ट मिलेगी, एक नहीं दो, एक फास्ट ट्रैक की और एक उत्सव की, एमईपीएल उत्सव। मैं बता रही हूं फुल कवरेज है, सब कुछ कवर हो जाएगा, दोनों प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को बिल्कुल घोल के पी जाओ, सारा कुछ कवर कर लो। दिव्या मैम ने, संजीव सर ने और मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है उसमें, बस आपको वो प्लेलिस्ट कर लेनी है। मैम, अब वो प्लेलिस्ट मिलेगी कहां, इतना ढूंढेगा कौन, तो उसका भी सोल्यूशन एमईपीएल आपको दे रहा है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फास्ट ट्रैक की भी एंड उत्सव की भी। तो जो जो टॉपिक आपका वीक है, आपको लग रहा है होल्ड नहीं आ रहा है, जस्ट डू दैट टॉपिक फ्रॉम प्लेलिस्ट, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, कहीं और टाइम वेस्ट भी मत करना। 1000 चीजें अभी, 1000 तरीके के आपको टाइम वेस्ट के तरीके मिलेंगे, बिल्कुल मत करना। प्लेलिस्ट खोल लो, सारा वीडियोस एक एक करके कवर कर लो, और प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। 3-3 दिन करके 3 डेज ईच आपको पेपर के लिए अलोकेट करना है और आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, और ये रामबाण है, मैं बता रही हूं बवाल आपका एग्जाम हो जाएगा। और प्लेलिस्ट जरूर से रेफर करना, मतलब ये मैं बोलू अल्टीमेट सोल्यूशन है, इसके अलावा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक बार प्लेलिस्ट खोल के देखो ना,
ई बुलेटिन्स सब कुछ कवर करवाया हुआ है। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके एग्जाम जुलाई 2023 में है उनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एप्लीकेबल नहीं है। तो फालतू र्यूमर्स पे मत जाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए नहीं है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीएसडब्ल्यूईटी अच्छे से क्लियर करने का। एंड करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बजट वाला सेशन जरूर कर लेना जो मैंने यूट्यूब पर लिया था, उस सेशन को जरूर देख लेना, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। इतना कुछ कर लो ना, इसके अलावा तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, फुल ऑन तैयारी हो जाएगा और यू विल बी फुल्ली 100% प्रिपेयर फॉर सीएसडब्ल्यूईटी जुलाई। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस स्ट्रेटजी को प्रिंट करके कहीं चिपका दो और अलोकेट कर लो डेज, और जैसे जैसे बताया है प्लेलिस्ट मैराथन जितना कुछ हुआ है ना सब वहां से कवर कर लो। एंड डोंट वरी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, कोई भी क्वेरी है आप मेल भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। तो जरूर बताना आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, वीडियो को पूरा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, हम लोग सबकी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है, अच्छे से एग्जाम दो ना यार, मजा आ जाएगा। प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।